कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले दूध के दो ब्रांडों को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। चुनावी माहौल के बीच सत्ता दल और विपक्ष दूध के दो अलग अलग ब्रांड अमूल व नंदिनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक में दूध को लेकर संग्राम जारी है। बता दें कि अमूल और नंदिनी दोनों ही भारत में लोकप्रिय दूध उत्पादक कंपनियां हैं। अमूल दूध उत्पादक एक बड़ी कंपनी है जो पशुओं से दुग्ध उत्पादन और संचार तकनीकों के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स उत्पादित करती है। अमूल कंपनी की शुरुआत गुजरात में एक संगठित प्रक्रिया के माध्यम से दूध उत्पादन करने के लिए हुई थी। अमूल कंपनी की विशेषताओं में उत्पादक दुग्ध उत्पादों का विस्तृत विकल्प, अच्छी गुणवत्ता, संरक्षित विस्तार और समय पर डिलीवरी आदि शामिल हैं। वहीं बात करें यदि नंदिनी की, तो यह कंपनी भी भारत में दुग्ध उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करती है। यह कंपनी पशुओं से दुग्ध उत्पादन के लिए एक मानकीकृत प्रक्रिया का उपयोग करती है। इन दोनों कंपनियों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ क्योंकि नंदिनी ने कुछ समय पहले एक नया उत्पाद लॉन्च किया है जिसका नाम है नंदिनी हरित किरण। यह उत्पाद अमूल के अमूल हरित दूध के समान लग रहा है। अमूल के अधिकारियों ने इसका कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के रूप में दावा किया है। उनका कहना है कि नंदिनी का उत्पाद अमूल के उत्पाद की नकल करता है और इससे अमूल की बिक्री प्रभावित हो सकती है। वहीं नंदिनी के प्रतिनिधि का इस दावे को खारिज करते हुए कहना है कि इनका उत्पाद अमूल के उत्पाद से भिन्न है और उनके किसी भी निजी अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए स्वदेश के साथ।